दोस्तों आपके दो तीन गर्लफ्रेंड है और आप व्हाट्सएप में सभी के साथ चैट करते हो, लेकिन दोस्तों कोई गर्लफ्रेंड आपका व्हाट्सएप बार बार आके चेक करता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपके दूसरे जो गर्लफ्रेंड है उसका चैट डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पकड़े गए तो आई एम सॉरी बाबू। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा कि आप चैट को हाइड कैसे कर सकते हो। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हो, नॉर्मल जो व्हाट्सएप है उस पे भी चैट हाइड का एक सेटिंग है। मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोगों को इस सेटिंग के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा कि चैट को हाइड कैसे करना है। जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दूसरे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ, मेरा ए वाला व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे टाइपिंग भी होगा। दोस्तों यहाँ पे देख पाए ए वाला जो चैट है इसको हाइड करके आपको दिखाऊंगा। आप दोस्तों एक ही नहीं एक साथ बहुत सारा चैट को हाइड कर सकते हो। दोस्तों चैट को हाइड करने के लिए सबसे पहले जिस चैट को आप हाइड करना चाहते हो उस चैट के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके रखना तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सिलेक्ट होने के बाद ए वाला ऑप्शन तो आप बहुत ही बार देखोगे आपके स्क्रीन पे, लेकिन इसके फीचर के बारे में आपको नहीं पता शायद। आज दोस्तों इस फीचर के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद ए वाला जो ऑप्शन आपको अभी दिखाए थे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने से दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ए वाला जो चैट था मेरा वो हाइड हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कोई भी मैसेज करेगा तो चैट वापस आ जाएगा। तो दोस्तों वो नंबर पे फिर से मैं एक बार मैसेज करता हूँ, यहाँ पे देखना वो वापस आ जाएगा। बस हवा निकल गई। दोस्तों आप चाहे कोई भी मैसेज करे ए नंबर पे, ए हाइड तो हाइड ही रहे। तो ये कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ओ वाला सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ए वाला पे जा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों सेकंड में जो ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ए वाला पे जा जाएगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट आर्चिप लिखा हुआ है और उसके साइड में एक बटन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये बटन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना है और चार्ट पे आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको करना है हाइड। तो दोस्तों जिसको आप हाइड करना चाहते हो उसको फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और फिर से ए वाला जो ऑप्शन दिखा है आर्ट शिफ्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे मैसेज करके दिखाता हूँ, जो चार्ट यहाँ से हाइड हो चुका है वो फिर से वापस यहाँ पे नहीं आएगा। दोस्तों ओ वाला नंबर पे मैंने अभी मैसेज किया, देख ही सकते हो दोस्तों यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। दोस्तों वो चार्ट को देखने के लिए आपको आर्चिप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए वो चार्ट आ गया। दोस्तों ये सेटिंग ऑन करने के बाद आप नॉर्मल व्हाट्सएप में भी चार्ट को हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आप एक नहीं दो नहीं बहुत सारा नंबर को ऐसे ही हाइड करके रख सकते हो। और दोस्तों वो सब नंबर फिर से वापस चलाने के लिए फिर से आपको आर्चिप सेटिंग में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो बटन को ऑन किए थे उसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद वो चार्ट पे एक मैसेज कर देना, वो यहाँ पे दोस्तों वापस आ जाएगा। दोस्तों आज आपको दिखाए व्हाट्सएप में किसी के चार्ट को हाइड कैसे करना है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट पे देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए एक ट्रिक और डेली यूज होने वाला एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।